Oh,
Sazimana, 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 Sazimana,
No, 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 no,
प्रफुल्ल चंद्र दलिया है और मैं 1964 में सिविल इंजीनियर हुआ अहमदाबाद से, और NID में मैंने जॉब शुरू करी। NID की कंस्ट्रक्शन कंपनी, मैंने काम था पूरी बिल्डिंग बनानी थी, वो मैंने काम चालू किया। 1973 में मुझे दिल्ली में एक साउथ इंडियन आर्किटेक्ट फर्म थी, उसका दिल्ली ऑफिस में एज ए चीफ इंजीनियर आई हैव अपॉइंटेड, और मैं उनके साथ अप टू 1984 तक मैंने काम किया। पहले जब मैं अहमदाबाद से आया तो शुरू शुरू में 2-3 महीना
पटेल नगर में रहा। फिर समबड़ी टोल्ड मी कि भाई आप शक्तिनगर आ जाओ, वहाँ गुजराती बेस एरिया है और काफ़ी गुजराती कंपनी मिल जाएगी। तो फिर आई शिफ्टेड टू शक्तिनगर इन 1973 अक्टूबर। तो धीरे धीरे करके मैं वहाँ पर हमारी जान पहचान हुई 4-5 फैमिली के साथ, और वो सारे बिजनेसमैन जैसे थे, मेरी भी अच्छी सैलरी थी, तो वी हैव अ फ्रेंडशिप। और मेरी मिसेस को भी वो सोशल वर्क में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो एक संस्कार केंद्र करके जो संस्था थी उसमें एज ए सेक्रेटरी शी हैज़ वर्क फॉर 10 ईयर्स। तो धीरे धीरे करता है हमें एक्सपांड होते रहे, काम भी अच्छा चलता रहा मेरा, सैलरी भी तो अच्छी थी। फिर कंपनी होते होते 4-5 फैमिली जो ऐसी थी, तो उसके साथ फिर हमारा सैटरडे का प्रोग्राम जनरली चालू कर दिया हमने। सैटरडे जनरली हम साथ में बैठ के 500 फैमिली एक वही से एक के घर इकट्ठे होते थे, वहाँ ताश खेलते थे, ड्रिंक्स लेते थे। इस तरीके से हम और बच्चे सारे एक ही जगह पर रहते थे और संडे मॉर्निंग अपने अपने घर चले जाते थे। ऐसे लाइफ चल रही थी। तो 1980 में मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई बॉम्बे में। तो मेरी मिसेस को ऐसा था दिल्ली आने के बाद कि उनके पीछे कुछ दान पुण्य करें मंदिरों में। तो मेरी मिसेस की एक फ्रेंड थी मंजूबेन पटेल, वो गुरुजी के साथ अटैच थी, तो उन्होंने कहा कि तू मेरे साथ चल नैना को, मेरी मिसेस को कहा कि मैं तेरे को अच्छे स्थान पर ले जाऊंगी और गुरुजी का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। शक्तिनगर से शी यूज टू कम अशोक विहार फेज 3। तो धीरे धीरे करता फिर गुरुजी के साथ उनका परिचय भी हुआ। तो मैं जब भी ऑफिस से आऊँ शाम को, तो फिर मुझे मिसिस कहती थी कि भाई ये गुरुजी आपको याद कर रहे थे, और मैं कहा तू जा रहा, मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करना। इस तरीके से थोड़ा टाइम चला गया। उसके बाद एक दिन गुरुजी हमारे घर आए थे शाम को, तो मैं ऑफिस से आया और फिर मैं फटाफट तैयार होके, तो गुरुजी ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैं को कि सोसाइटी की मीटिंग है, उसमें मैं मेंबर हूँ, तो एज ए इंजीनियर भी तुम्हारा काम करता हूँ। तो कहे अच्छा, तो कहे कौन सा फ्लैट आपका है? मैं को 2 बेडरूम का है। तो कहे अच्छा, आपके पास नक्शा है? मैं को हाँ। तो नक्शा मैंने दिखाया, तो कहे कि उससे बड़ा भी है? मैं को हाँ, 3 बेडरूम का है। तो कहे उसका भी नक्शा दिखाओ। फिर मुझे कहा कि ये यू शिफ्टेड टू 3 बेडरूम। तो मैंने बोला गुरु जी थोड़ी प्रॉब्लम्स रहेगी, ये है वह, लेकिन सब हो जाएगा, आप शिफ्ट कर लो। तो मैंने जाके सोसाइटी की मीटिंग में बात करी कि भाई मुझे भी 3 बेडरूम के फ्लैट में शिफ्ट होना है। तो कोई बात नहीं, हम शिफ्ट कर देते आपको, 2 बेडरूम वाला 3 बेडरूम में आप आ जाओगे, तो एक 3 बेडरूम वाले को 2 बेडरूम में आना है, तो शिफ्ट हो जाएगा, कोई नो प्रॉब्लम। इस तरीके से गुरु जी के साथ मेरी पहचान हुई। तो एक दिन क्या हुआ कि काका जी आए हुए थे, तो गुरु जी का फ़ोन आया ऑफिस में शाम को 4 बजे के, आप डालिया शाम को हमारे साथ खाना खाना, और काका जी आए हुए हैं, तो ठीक है। तो मैं शाम को आया, फिर मैं किसी के घर और फ्रेंड के घर गया था 5 मिनट के लिए। तो मिसेस मेरी यहाँ नहीं थी, वो वैकेशन में बॉम्बे गई थी। तो फिर मेरा फ्रेंड कहता है कि डालिया बैठो 5-10 मिनट, वो बैठे थे। फिर उसने ड्रिंक्स बनाया, तो मैंने बोला भाई नहीं, अब मुझे मंदिर जाना है। कहते पी लो एक पैग, उसके बाद पान बान खा लेना, चले जाना। वो बातें करते 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 बैठ गए। फिर मैंने करीब 7:30-8 बजे गुरु जी को मंदिर में फ़ोन किया कि मैं अभी ऑफिस में हूँ, झूठ बोला मैंने कि मैं ऑफिस में हूँ, तो मैं नहीं आ सकता अभी, तो आई एम सॉरी बट आई कुड नॉट स्लीप द होल नाइट। नहीं तो ड्रिंक्स लेने के बाद आदमी को अच्छी तरह नींद आ जाती है, मेरी आँख खुली रहेगी, बंद करूँ तो भी मैं बंद नहीं कर सकता था। तो मॉर्निंग में मुझे इतना अंदर से हुआ, तो 6:30-6:30 बजे उठ के नहा के सीधा मंदिर गया मैं। पहले गुरु जी से मैंने कुछ बात तो नहीं करी, मगर मैं अंदर से बहुत ही मायूस हो गया, क्योंकि एक संत को मिलने के लिए जाना था और मैंने झूठ बोला ऐसा। उस दिन से मुझे अपने पर नफरत हो गई और आई हैव
जस्ट लेफ्ट ड्रिंक इमीजिएटली, उसके बाद मैंने कभी ड्रिंक्स नहीं ली। एक तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरी लाइफ में एक अच्छी चीज़ बन गई। अब इस तरीके से फिर मैं सत्संग में आ ही गया धीरे धीरे करते। फिर सैटरडे के प्रोग्राम का गुरुजी को पता चला कि भाई सैटरडे जनरली बैठ के ताश खेलते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि दालिया ऐसा करो, इस सैटरडे शाम को मीटिंग में आना। मैं उसकी मेरे तक आप सभा करेंगे, सत्संग करेंगे, बैठेंगे। इस तरीके से सत्संग की मीटिंग चालू करी। और पता कैसा करना, रात को तुम यहीं रुक जाना, सैटरडे आप मिसेस सब और बहनों के आश्रम, बहनों के जहाँ रहती है वहाँ रह जाएगी, या किसी फैमिली के यहाँ रह जाएगी मिसेस आपकी, और आप मंदिर में रह जाना। इस तरीके से सैटरडे मेरा सोना चालू हो गया, एवरी सैटरडे। एंड हर्ष मैंने मेरा काम जो बनना था मेन, ताश खेलना और वो बंद हो गया। तो सबसे पहला तो कारण ये अच्छा हुआ। उसके बाद मैं काका जी के दर्शन तो मैंने बाद में करे थे, नहीं पहले भी करे थे काका जी के दर्शन। काका जी के दर्शन पहले भी हुए थे मेरे। काका जी आए थे बॉम्बे से और 3 दिन के लिए रहे थे, तभी मैं काका जी को मिला था। उसके बाद एक प्रसंग ऐसा था कि सत्संग चलता रहता था, पंजाब भी हम जाते थे। मैं गुरु जी के साथ कम से कम 8 से 10 दफ़े पंजाब गया हूँ। दीदी की पहचान भी गुरु जी ने मुझे पंजाब में सवद्दे में कराई थी। यहाँ से गुरु जी ने मुझे कहा कि दलिया चलो हमारे साथ, कि आपको एक सरप्राइज़ देना है। मैं को अच्छा क्या बात है, तो कह नहीं आप चलो साथ में। तो मिसेस को रात को फिर रेनू करके एक लड़की आती थी, उसको मेरी मिसेस और उसका भाई था ओम प्रकाश, वो हम तीनों ये लोग रात को पंजाब मेल में वो बॉम्बे अरे सवदी बैठक के लिए गए, पंजाब के निकल गए। और हम सवेरे जीप में गए थे। तो जैसे सवदी पहुँचे हम, तो एक भगत के घर ले गए हमें। और वहाँ पर मैं तो जानता नहीं था, तो इतने में दीदी को एकदम दीदी आई हमारे सामने। मैं कहूँ आप यहाँ कहाँ से हैं? मैं जानता तो था उनको, पहले देखा था हम दिल्ली में। वो कहा आप यहाँ कैसे आ गए? तक मैं यहाँ ही रहती हूँ 6 महीने से। तो सरप्राइज़ ये था सबसे पहला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वैसे। तो इस तरीके से सत्संग चलता रहा और मैं धीरे धीरे गुरु जी के साथ जुड़ता रहा बराबर। मीनवाइल 1984 की तकरीबन बात है कि काका जी ने मुझे बताया, पूछा कि दालिया नौकरी जॉब में हो आप, कितनी सैलरी मिलती है? मैंने 6-7 हज़ार रुपये तो मिल जाता है। तो उस टाइम 6-7 हज़ार रुपये बहुत सैलरी होती थी, ये 1984 की बात है। तो कहता है दालिया एक चीज़ बताओ, मैं क्या तो कह बनिया का लड़का होके नौकरी नहीं करते, आपको बिजनेस करना चाहिए। तो मैंने कहा काका जी बिजनेस करना हो तो हमारे बिजनेस में कंस्ट्रक्शन लाइन में कम से कम 1-2 लाख रुपया चाहिए। तो सामने गुरु जी बैठे थे, A-103 की बात है ये, अशोक विहार मुझा मंदिर था अपना। काका जी पलंग में बैठे थे और मैं खड़ा था, सामने गुरु जी बैठे थे सोफे में। तो काका जी ने कहा कि आप बिजनेस चालू करो। तो पैसे की बात हुई तो गुरु जी आपका सब कुछ कर देंगे। और मैंने बिजनेस चालू किया। तो ऑफिस में बात करी तो गुरु ऑफिस वाले ने मुझे कहा, मेरे बॉस ने, कि दालिया तुम्हारे हाथ में जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट यू हैव टू कम हाफ अ डे इन द ऑफिस, आधा दिन अपना काम करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा 3 साल तक चला, तकरीबन 2.5-3 साल तक। धीरे धीरे बिजनेस चालू किया मैंने। और पहला मैंने 20 लाख का काम लिया था पेंटिंग का, 150 फ्लैट की पेंटिंग। तो शुरू शुरू में बस ये काम शुरू हुआ, वो फिर धीरे धीरे रुका ही नहीं काम। बिजनेस करते करते 1986 में काका जी धाम में गए, ये
हम जनवरी में गए थे सोखड़ा कोई फंक्शन में। मेरे ख्याल से गौणती गौणती संविधि द्वि शताब्दी थी। तो उसके बाद हम काका जी को लास्ट 26 जनवरी को वहाँ मिले, विद्यानगर में लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें मिले थे। और काका जी ने मुझे कहा था कि दालिया आप अहमदाबाद जा रहे, दिल्ली जाके आप नौकरी बिल्कुल छोड़ देना, अब आपको नौकरी नहीं करनी है। मैं को नहीं छोड़ दूंगा मैं पक्का, ये लास्ट प्रसंग था उसका। उसके बाद मैंने बिजनेस चालू किया। काका जी धाम में गए, उस टाइम भी ये गुरु जी बहुत टूट गए थे। गुरु जी के साथ मेरा अंतरंग संबंध हो गया था, ऐसा डेली मंदिर आने लग गया फिर तो। और धीरे 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 करके फिर हम पंचतीर्थी भी करी सब गुरु जी के साथ। ऐसे डे टू डे मेरा, मेरी फैमिली का, बच्चों का, सबका कनेक्शन अच्छा हो गया। एक्चुअली महाराज की द्वि शताब्दी थी, उस टाइम मैं रेगुलर आने लग गया था तकरीबन। और उस टाइम ही काका जी का दर्शन मुझे हुआ था। काका, हमने गुजराई समाज में प्रसंग हुआ था ये, हम खाना खा रहे थे तब मेरी पहचान गुरु जी ने साथ, गुरु जी ने कराई थी कि दे मिस्टर दालिया है, और इस तरीके से मेरी पहचान हुई थी काका जी के साथ। आपका जब, जैसे आपने एक बताया प्रसंग, जब वो फ्लैट्स का, गुरु जी ने कहा 2 बेडरूम से 3 बेडरूम में, हाँ वो गुरु जी का आपका पहला दर्शन था नहीं या नहीं उस उस? पे, हाँ गुरु जी का दर्शन तो मैंने पहले वहीं कर घर पे ही करा था, मेरे मेरे घर पे ही करा था। गुरु जी आए तब की बात है ये। वो तो पर काका जी का पहला प्रसंग ये था कि वो वहाँ आए थे गुजराई समाज में, और मैं मंदिर थे तुम्हारे शक्तिनगर से वहाँ गया था मैं, तब काका जी का दर्शन, मैंने गुरु जी ने पहचान कराई थी कि मिस्टर दालिया है और ये सत्संग में आते हैं इस तरीके से। तो इसके बाद ऐसा हुआ कि काका जी ने बिजनेस चालू करवा दिया। नहीं और रिपीट मैं उस लिए कर रहा हूँ, मैं बात उस लिए कर रहा हूँ कि मैं वो बीच में कह रहा, 84 में है। फिर काका जी जब जब भी आते थे तब हम काका जी के साथ भी, मैंने एक एक दो दो दफ़े मैं पंजाब गया रविचरण में। इवन मैंने जगराओं से मोगा तक गाड़ी भी ड्राइव करी थी, काका जी मेरे साथ बैठे थे। इस तरीके से काका जी का लाभ बहुत मिला मुझे। कौन सी गाड़ी थी इस समय? ये अबाउट 93 नहीं 83 की बात है। कौन सी गाड़ी थी? वो एम्बेसडर थे, एम्बेसडर थे मंदिर के, एम्बेसडर थी गाड़ी, उसी में ही गए थे हम। तो इस तरीके से काका जी के साथ तो प्रसंग रहता रहता था हमें। पर गुरु जी ने हमारे मेरे जीवन में हर एक पाना पर, पेज पर कुछ ना कुछ ऐसा लिखा है कि मैं कभी भूल नहीं सकता। और मैं अपनी लाइफ भी अभी आगे भी लाइफ में गुरु जी के साथ ही रखी है। इवन 84 में मेरा लड़का भी कमल, मेरा बड़ा लड़का है, वो अहमदाबाद पढ़ने चला गया था, और वो 1991 में वापस आया, इंजीनियर हो गया था, सिविल इंजीनियर। और उसको फिर उसने मुझे कहा, पापा मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, मुझे सेटल होना है अमेरिका में और पैसा कमाना है। मैं तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, कहा कि मेरा काम भी बहुत फ्लरिश चल रहा था एज ए कॉन्ट्रैक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने कहा ठीक है तू जा। मीनवाइल बीच में एक प्रसंग ऐसा हुआ था कि 86 में जब काका जी धाम में गए, तो 86 के बाद गुरु जी काफ़ी नॉइस हो गए थे। और 86 अक्टूबर में मैं मेरा गुजरात अपार्टमेंट में जो फ्लैट था वहाँ 9 दिन के लिए रहने गया था। 9 दिन नवरात्रि थी मेरे ख्याल से 86 की। तो एक संडे में आया, फिर एक वीक के बाद आया नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे। तो दूसरे संडे आया तो गुरुजी ने कहा कि दलिया हमें इतना दूर रहने नहीं जाना है। तो मैंने बोला काका जी अभी, गुरुजी मैंने अभी फ्लैट में 1 लाख रुपया खर्च किया है, और 3 बेडरूम में डबल बेड बनाया, अलमारी बनवा दी है, किचन रिनोवेट करवा दिया है, और मैंने फर्नीचर भी ले लिया है और फ्रिज भी ले लिया है। तो सबसे पहले मैंने फिर SFS में फ्लैट देखा। फ्लैट देखा तो गुरुजी ने कहा कि हमें फ्लैट में नहीं जाना है, आप ऐसा करो कि कोई प्लॉट देखो। तो फिर मैंने सत्यवती में 5 प्लॉट सिलेक्ट कर देखे थे।
तो एक दिन सवेरे मैं गुरु जी को लेके सत्यवती में गया, तो गुरु जी ने दूर से बताया कि ये प्लॉट ले लो। उस टाइम झुग्गियाँ थी प्लॉट के सामने, तो गुरु जी मैं कहूँ साहब गुरु जी झुग्गियाँ आते कि नहीं नहीं ये ले लो, सेंटर प्लेस है, वो रेलवे लाइन वाला प्लॉट हमें फ्लैट नहीं लेना है, माने वो प्लॉट नहीं लेना है रेलवे लाइन के बगल में। तो वहाँ पर मैंने फिर कोठी बनाई वहाँ पर। ये बात है 1988 में, 88 जनवरी में कोठी तैयार हो गई थी। तो मैंने कहा मैं शिफ्ट कर लूँ, तो गुरु जी के नहीं 1988 में फेब्रुवरी में अपना मंदिर का खात मुहूर्त होना था, तो कह नहीं बहनें वहाँ रहेगी पहले, आप अभी शक्तियों घर से शिफ्ट मत होना। तो सबसे पहले सोनाबा ज्योति बहन वगैरह मेरे मकान में रहे थे, C28 1988 और ये सत्यवती कॉलोनी में, और करीब 8-10 दिन रहे मेरे घर पे। उसके बाद 88 मार्च में मैंने शिफ्ट किया यहाँ पर इस मकान में। तो 88 से तकरीबन 15 साल तक मैंने मेन फ्रंट जो था उसका गेट नहीं खोला था, वहाँ झुग्गियाँ थी। उसके बाद वो झुग्गियाँ ऐसे हट गई कि वहाँ सामने इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया, ने सामने एक दीवार भी हो गई उससे। और मेरे कोठी का एक सबसे अहम पहलू ये है कि मेरे बेडरूम माने ड्राइंग रूम से माने डाइनिंग रूम से बैठा हूँ तो मुझे मंदिर का शिखर नज़र आता है। ये देखो गुरु जी का कितना मेरे पर प्रेम के अथाक परिश है। तो ये मेरे लाइफ का बहुत अच्छा प्रसंग बन गया है। उसके बाद 1991 में मेरा लड़का कमल वो इंजीनियर होके अहमदाबाद से आ गया वापस। उस टाइम चिंतू यहाँ पढ़ रहा था प्रणव, तो आके उसने मुझे कहा कि पापा मुझे अमेरिका जाना है। मैं भी जा कोई बात नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई वॉज इन कंस्ट्रक्शन लाइन और अच्छा पैसा था मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो बोस्टन यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन भी मिल गया आगे पढ़ने के लिए, और वो जाके काम करना था उसको। तो एक दिन वीज़ा लेने के लिए जा रहे थे सवेरे हम, तो गुरुजी ने बोला कि मैं कहूँ गुरुजी वीज़ा लेने जा रहे थे, बैठो गुरुजी पूजा कर रहे थे, तो पहले मुझे पूजा के बाद भी देखो टीका किया, फिर कमर को टीका किया। तो गुरुजी ने कमर को पूछा कि क्यों अमेरिका जाना है, तो बस पैसा कमाने के लिए, उसका मुंह से ऐसा निकल गया। तो टीका करके बोला कि हमें कहीं नहीं जाना है, तू जो पैसा चाहता है वो पैसा तेरे को यहाँ मिलेगा, और ये जो फाइल है ना वो फाइल घर जाके अलमारी में रख के पापा के साथ बिजनेस में लग जा, फिर हम बाहर निकले। तो मैंने बस नेचुरल भी लड़के को पूछना था अभी क्या करना है बेटा, तो कह नहीं नहीं जो गुरु जी ने कहा ठीक है चलो। मेरे हाथ से गाड़ी की चाबी ले ली, ड्राइवर की सीट पर बैठ गया, मुझे बाजू में बैठा दिया, घर गया फाइल ऊपर जाके अलमारी में रख के मुझे कहा चलो पापा आपके साथ काम पे। उस टाइम मेरे पास लकीली 4-5 काम थे, तो आई वॉज बहुत बिजी एक्चुअली, वो गुरु जी को पता था कि काफ़ी बिजी रहते हैं, तो बिजनेस में लग गए मेरे साथ, और धीरे धीरे बिजनेस भी बढ़ता गया और अच्छा सेटल्ड हो गए। फिर 2001 तक कमल ने मेरे साथ काम किया, और वो भी सत्संग में रेगुलर आते थे। जब 94 में मंदिर का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ तब भी वो माने मीनवाइल जो 88 से 94 तक जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उसमें भी गुरुजी के साथ मैंने बहुत काफ़ी काम किया। तो कंस्ट्रक्शन में भी इंटरेस्ट लिया, उनके विचरण में भी गुरुजी के साथ हमेशा रहता था, कहीं भी जाना हो तो कह दल आज बहुत जल्दी आ जाना साथ में, हम वहाँ जाना है वो जाना है वहाँ जाना, इस तरीके से बहुत क्लोज हो गया मैं गुरुजी के साथ। वो धीरे धीरे बाकी कंपनी मेरी छूट गई कम्प्लीटली। एक चीज़ इम्पोर्टेंट बात बताऊँ कि मैं अबाउट आज भी 50 साल से भी दिल्ली में रह रहा हूँ, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड एक्सेप्ट मंदिर के जो सत्संगी है वही मेरे फ्रेंड है, कोई पर्सनल फ्रेंड नहीं है मेरा। शाम को आके मुझे मंदिर ही आना है, कहीं और जाना ही नहीं है,
ये मेरी लाइफ हो गई ऐसे, ये गुरुजी ने मेरे लाइफ में आके बहुत कमाल कर दिया है। इस तरीके से धीरे 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 बिजनेस बढ़ता गया। 2001 तक एक में मेरे को बाईपास सर्जरी करानी पड़ी। तो पहले तो यहाँ गंगाराम में एंजियोप्लास्टी करी थी मेरी, एंजियोग्राफी करी थी, एंजियोग्राफी कराई तो फिर उन्होंने कहा कि भाई स्टैंड लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर अहमदाबाद हमने कांटेक्ट किया था, एंजियोग्राफी का रिपोर्ट भेजा था। तो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट है गुजराती अहमदाबाद में, इन्होंने कहा था कि भाई तुम आप इधर आ जाओ। तो कमल को कहा था उसके पापा को लेके, तू इधर आ जा। तो गंगाराम वालों ने कहा भाई हम आपको छुट्टी नहीं दे सकते, इससे रिस्क है। तो फिर गुरुजी को बात करी, गुरुजी भी वहाँ पर थे गंगाराम में उस टाइम। तो गुरुजी फिर साथ में गया कमल के साथ और डॉक्टर को कहा भाई ऑन आवर रिस्क वी आर टेकिंग द पेशेंट, ऐसा करके उन्होंने वहाँ से छुट्टी दिलाई। और ये बात थी मेरे ख्याल से 4 या 5 जनवरी की। फिर 13 जनवरी को मैं अहमदाबाद गया, यहाँ से जाना था, शाम को ट्रेन से जाना था क्योंकि प्लेन में अलाउड नहीं किया था उन्होंने। तो गुरुजी यहाँ दीदी का फंक्शन चलते हुए भी गुरुजी मुझे स्टेशन छोड़ने आए थे। उस प्रसंग को मैं याद करता हूँ तो मेरी आँख में पानी आ जाता है। एक कैसा उन्होंने मेरे साथ बर्ताव किया है कि मैं कभी लाइफ में भूल नहीं सकता। स्टेशन पर आया, कमल को साइड में बुला के कहा कि बेटा तेरे पास कितना पैसा है। कमल ने कहा मेरा इतना पैसा है मेरे पास, तब कह फिर भी पैसे की ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन करना, मैं आधे घंटे में तेरे घर पे आके पैसा दे जाएगा आदमी, ऐसा अरेंजमेंट कर दूंगा। ऐसा सगा बाप नहीं करता, सगा भाई नहीं करता, ऐसा काम गुरुजी ने मेरी लाइफ में किया है। तो 19 जनवरी का मेरे ऑपरेशन का डेट फिक्स हुआ। 13 जनवरी को मैं गया यहाँ, 14 को उसने सारा चेक किया, लोगों ने ECG करा ही करना के बाद भी अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा तो बाईपास करते हैं हम। तो मैंने कहा था कि स्टैंड लगाना था कि स्टैंड वो टेम्पररी अरेंजमेंट है, तो व्हेन योर हार्ट इज़ वर्किंग प्रॉपरली यू शुड गो फॉर बाईपास ओनली। तो ठीक है बाईपास करा लेते हैं। तो बाईपास करानी तय हुआ 19 जनवरी का डेट। 18 जनवरी को शाम को गुरुजी फ्लाइट से अहमदाबाद आए। आई वॉज इन हॉस्पिटल एक्चुअली, कृष्णा हॉस्पिटल भोपाल में है। तो 18 तारीख को शाम की फ्लाइट से आए, 7-7:30 बजे के आसपास हॉस्पिटल आए, डायरेक्ट एयरपोर्ट से डायरेक्ट हॉस्पिटल आए। आधा घंटा धुन करी, मेरे सर पे हाथ घुमाया और बोला कि दलिया सब ठीक हो जाए, फिक्र मत करना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 बजे गुरुजी हाजिर रहे हॉस्पिटल में, और मैं मुझे जो ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे तो गुरुजी सामने मेरा हाथ पकड़ा था। फिर बाईपास हो गया, ऑपरेशन हो गया। उसके करीब दोपहर को 2:15 बजे ICU में, जहाँ स्पेशल रूम में मुझे, आई वॉज ऑन कॉन्शियस, तो वहाँ आए और मेरे सर पे हाथ घुमाया था। ये बताया डॉक्टर ने, बताया मुझे डॉक्टर स्पेशल परमिशन ली, ऐसा तो अलाउ नहीं करते हैं, मगर गुरुजी को फिर अलाउ कर दिया, डॉक्टर पहचान वाला था। और फिर मीनवाइल ऐसा हुआ था कि जब ऑपरेशन चल रहा था तो नीचे बहुत बड़ा हॉल था वहाँ पर है, तो एक साइड पर सोफे में गुरुजी और सब बैठे थे, दूसरी साइड पर सामने सारे हमारे रिलेटिव सारे बैठे थे, अबाउट 60% वॉज देयर, 60 आदमी थे वहाँ पर। तो मेरी मिसेस रो रही थी थोड़ी, तो गुरुजी माला घुमा रहे थे, वो माला फिर सेवक के हाथ से बोला, जाके नैना बहन को बोलो कि ये माला जब बालिया दिल्ली आए तब मुझे उनके हाथ से दिलवाना, कि अभी रोना मत, सब ठीक हो जाएगा। तो माला फिर दी, उसका मतलब गुरुजी और मिसेज ने निकाल दिया कि उनको दिल्ली जाना है वापस,
एश्योरिटी दे दी ना लाइफ की। तो ये ऐसा प्रसंग लाइफ में बने हैं जीवन में कि कोई उसी ये नहीं है। दूसरी एक दफ़े ऐसा हुआ था कि 2001 में कमल मेरे ऑपरेशन मेरा 2001 में हुआ और जून में मेरे ख्याल से कमल बॉम्बे गया, क्योंकि मुझे फिर कहा था डॉक्टर ने कि भी अब ज़्यादा काम मत करना, तो धीरे धीरे आई हैव टू वाइंड अप माने काम कम करना था। तो कमल कहते पापा मैं बॉम्बे शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो जा तो तू बॉम्बे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉम्बे चला गया जून में। फिर 2002 में चिंतू ने कहा मैं फैशन डिजाइन का कोर्स कर लिया है मैंने और प्रैक्टिस भी कर ली मैंने, तो अब मैं फर्दर स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ। तो मेरे को यार कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उसके ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन के लिए जो फीस का ड्राफ्ट बाप सब बनवा लिया, सब कर लिया। फिर एक दिन गुरुजी साथ बैठा मैं शाम को, मैंने बोला गुरुजी कमल तो बॉम्बे चला गया और चिंतू भी ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तो अब मैं दिल्ली रह के क्या करूँगा, तो मैं भी अहमदाबाद शिफ्ट होना चाहता हूँ। मैं कोई कोठी बेच देंगे, थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा, अच्छा पैसा बच भी जाएगा मेरे पास और वहाँ कोठी मिल जाएगी, इसका पैसा अच्छा आ जाएगा। तो गुरुजी ने कहा कि दालिया एक बात कहूँ मैं, क्या हमें कहीं नहीं जाना है, सोचना भी मत। फिर तो कमल चिंतू ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, लकीली कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर वो मेरे साथ ही रहा इधर। उसका 2002 में मैरिज भी हो गया नवंबर में। धीरे धीरे लाइफ आगे जाती रही, बढ़ती रही, ये काम भी मैं करता रहा था, कंसल्टेंसी करना और काम। तो 2008 की बात है ये, गुरुजी ने एक दिन मुझे, मैं सवेरे दर्शन करने आया था मंदिर में, तो गुरुजी ने कहा कि दालिया आपने पास अरेंजमेंट कैसी है, मैं समझा नहीं, तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोनों बच्चे सेटल्ड है, कोई बात नहीं है, कमल ही बॉम्बे सेट हो गया बहुत अच्छी तरह से, तो मंदिर की सेवा में आ जाओ। ये 2008 अगस्त की बात है। ठीक है, मैं जहाँ भी काम करता था सबको बोल दिया मैं कल से मैं नहीं आऊँगा, और नेक्स्ट डे लिटरली आई वाज शिफ्टेड टू टेंपल सेवा में कम्प्लीटली। मीनवाइल हमारा ये काम चालू होना था, इंटीरियर का काम चालू होना था, पत्थर का काम चालू होना था, बाहर का पत्थर लगाना चालू शुरू होना था। तो उस काम में भी मैंने काफ़ी आशीष के साथ मिल के काम किया और कॉन्ट्रैक्टर वगैरह फाइनल कर दिए, करें मिलवाए गुरु जी को, 3 फरवरी पार्क का प्लॉट मिल गया, तो उसकी डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। फिर मुझे धीरे धीरे करते 3 फरवरी पार्क में शिफ्ट कर दिया, बोलता है इसकी सेवा आपको करनी है पूरी। तब से मैं 3 फरवरी पार्क में सेवा में हूँ। इतनी गुरु जी की सेवा का वो है कदर मुझे कि इनको क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं है मुझे अब बराबर पता है। एक दिन क्या हुआ था कि ऊपर बालकनी में गुरुजी खड़े थे और एक कागज़ का टुकड़ा कहीं देखा रोड पे, 3 फरवरी पार्क के रोड पे, तो मुझे कहते दादी आज सफाई नहीं हुई है। तो इस तरीके से गुरुजी की माइनू चेक, माने उनको जो चीज़ अच्छी पसंद है वो चीज़ हमारे में भी अब आ गई है, उनको क्या चीज़ चाहिए वो हमें पता है। उस तरीके से मैं अभी 3 फरवरी पार्क में सेवा में हूँ। तो 3 फरवरी पार्क में ऐसा कोई प्रसंग गुरुजी के साथ रहा जो आपको? नहीं, 3 फरवरी पार्क में जो भी उनको पसंद होता था, जो बाय टाइम टू टाइम हम डिस्कस भी करते थे कि हमें इतना ऐसा फूल का पौधे ये हमें ये करना है सारा वो है, फिर उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए आशीष के साथ मिल के बात भी करते थे हम, और जैसे काम कराना चाहता था ऐसा मैं करता रहता हूँ। और मैं अभी टोटली आई एम वर्किंग विथ 3 फरवरी पार्क, और गुरुजी को भी
शांति है कि भाई चलो मैं हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से लाइफ गई है। गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत काम किया है और आखिरी सांस तक मैं गुरुजी के साथ रहूं, यही महाराज को प्रार्थना करता हूं कि मुझे बनाए रखना। बस एक आपके साथ वो वाला प्रसंग जो सोफे का जो, वो तो शुरू शुरू में जब मैं सत्संग में आया ना, एक्चुअली मैं आर्किटेक्ट फर्म में काम करता था और इंजीनियर हूँ मगर आर्किटेक्चरल का भी थोड़ा बहुत ख्याल आता है। तो गुरुजी जो सोफा में बैठते थे ना, वो अनकंफर्टेबल था। फिर मैंने मेरे जो कॉन्ट्रैक्टर था उससे एक सोफ़ा बनवाया था, तो एक्चुअली नाप लिख के गुरुजी के हाइट के हिसाब से एडजस्ट करके पैर नीचे बराबर बैठ जाए इस तरीके से। तो गुरुजी को सोफ़ा बहुत पसंद आया और कम से कम मेरे ख्याल से 15-20 साल तक वो सोफ़ा यूज़ करा उन्होंने। गादी का कवर चेंज होता था मगर सोफ़ा का ढांचा वही रहा था, 15-20 साल तक यूज़ किया था। तो गुरुजी जैसे आपका जब फर्स्ट टाइम आपको मिले तो, या मेरे ख्याल से आप जैसे बार बार मिले, या थोड़ा ऐसे जैसा मैरन होता था जैसे, आंटी जाते थे, तो आपको गुरुजी की ऐसी क्या क्वालिटी लगी जिसमें आपको लगा कि हाँ भाई ये गुरुजी को, एक्चुअली क्या है कि गुरुजी में एक चीज़ मैंने नोट करी है कि उनको सेल्फ इंटरेस्ट बगैर काम करते, उनको अपना इंटरेस्ट रख के कभी कोई काम उन्होंने मुझे कहा नहीं। मैंने बोला अत्यारे मैं आज 81 से 2017 तक मैं सत्संग में हूँ, 40 साल हो गया तकरीबन, 35-40 साल, मगर कभी उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए कोई बात नहीं करी। ज़्यादातर उन्होंने अपना हमारा इंटरेस्ट लेके, मान के हमारा जीवन कैसे अच्छा हो जाए उस लिए बात करी है। कभी ये नहीं कि भाई चलो मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, कभी नहीं कहा। तो उसलिए मेरी क्वालिटी है, उसलिए पसंद आ गई। मैंने कहा अंदर से मुझे कोई संत हमारे लिए कितनी केयर करते हैं। और कोई ऐसा प्रसंग जिसमें आपका गुरुजी के साथ का कोई बहुत अच्छा, मतलब गुरुजी तो मेरी लाइफ में क्या बताऊँ, एक एक प्रसंग ऐसा हुआ है कि मैं कोई मेरी लाइफ में कोई और है ही नहीं। मेन चीज़ ये है कि मेरी लाइफ में कोई और है नहीं। मैं उसके बाद कभी कोई और मंदिर में गया नहीं, पता नहीं अभी ठीक हाथ तो जोड़ देता हूँ मैं, बाकी कभी किसी के ऊपर मुझे भरोसा नहीं रहा एक्सेप्ट गुरुजी। हमारी लाइफ गुरुजी के साथ ही हो गई है। अब मैंने कहा ना शुरू में कि भाई मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरा कोई फैमिली फ्रेंड का कोई फैमिली के साथ हमारा रिलेशन ही नहीं है। भाई ये कहाँ जा रहे हो, तो मंदिर जा रहे, तो कोई और बात ही नहीं है हमारे जीवन में। कोई ऐसा प्रसंग अगर जहाँ पे जैसे गुरुजी हमेशा काका जी को आगे रख के चलते हैं और आपने तो काका जी के भी दर्शन किए हैं, हाँ, तो कोई ऐसा प्रसंग रहा हो जो आपको याद हो? उसका एक प्रसंग मुझे याद आया अभी कि मेरे लड़के को अहमदाबाद पढ़ने भेजना था, 1984 की बात है, कमल को। तो एक्चुअली मैं वैकेशन में कमल गया था वहाँ पर अहमदाबाद, तो बड़े भाई साहब ने कहा कि नहीं, कमल ने कहा कि मुझे भी इंजीनियर बनना है आगे जाके। तो बड़े भाई साहब ने कहा हसमुख भाई कि तू यहाँ रह जा पढ़ने के लिए, क्योंकि ऐसा है कि 9th स्टैंडर्ड में ये यहाँ पर था, तो 10th, 11th, 12th गुजरात में करेगा तो ही विल गेट प्रायोरिटी एडमिशन इन इंजीनियरिंग इन गुजरात, नहीं तो उसको जो बाहर का स्टूडेंट्स को जल्दी एडमिशन नहीं मिलता है। तो बड़े भाई साहब का फ़ोन आया, तो गुरुजी से मैंने बात करी कि ऐसा ऐसा है, तो कोई बात नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ से सर्टिफिकेट ले लिया उसका, स्कूलिंग सर्टिफिकेट, लार्सन और लार्सन में था, तो एडमिशन लेने के बाद फिर वो मैंने वहाँ से स्कूलिंग सर्टिफिकेट लेके फिर मैंने भेज दिया। तो वहाँ पर दो मेन स्कूल है इंग्लिश मीडियम की, एक एजी टीचर्स और दूसरी एक रचना का ऐसी नाम है, वो महालक्ष्मी सोसाइटी के पास है। तो मेरे बड़े भाई साहब वो उसका एडमिशन के लिए गए थे वहाँ पर,
तो बात करिए, तो प्रिंसिपल लगा भाई जगह नहीं है, टेंथ में सीट नहीं है, तो एजी टीचर्स में भी सीट नहीं मिली। तो भाई साहब ने फिर फ़ोन आया कि भैया भाई एडमिशन यहाँ नहीं मिल रहा है तो क्या करें। तो मैंने रात को फिर गुरुजी से बात करी, तो गुरुजी ने कहा चलो काका जी से फ़ोन करते हैं। काका जी को फ़ोन किया कि भाई ऐसा ऐसा था, कमल को वहाँ एडमिशन नहीं मिल रहा है तो क्या करें। तो काका जी ने कहा कि ऐसा करो, दलिया के भाई साहब को बोलो कि कमल को लेके दोबारा उसी स्कूल में सवेरे पहुंच जाए। तो मैंने घर जाके फिर रात को फ़ोन किया 9:30 बजे भाई साहब को, 10 बजे मैं, क्योंकि काका जी ने कहा कि उसी स्कूल में जाके सवेरे ट्राई करना एडमिशन के लिए। तो भाई साहब ने कहा कि प्रफुल्ल मैंने ऑलरेडी सवेरे 1 घंटा बैठ के आया हूँ, उन्होंने क्लियरली ना बोला है तो स्कूल में जाने का फ़ायदा क्या है। मैं देखो काका जी ने कहा है, तो गुरुजी ने मुझे कहा है कि भाई ये काका जी ने कहा है तो ये करो कल। तो दूसरे दिन सवेरे फिर वो भाई साहब कमल को लेके 8 बजे वहाँ पहुँच गए, उसी वहाँ रिसेप्शन में बैठे थे जाके। तो 8:30 बजे प्रिंसिपल आया, प्रिंसिपल ने देखा बैठे थे भाई साहब और कमल, तो आके फिर उन्होंने एक्शन कहा ऐसा कि ऐसे कहाँ से आ गए, मना किया था तब फिर भी वो बैठे रहे, वो अंदर गया। उसके 5 मिनट के बाद एक आदमी आया, वो वहाँ पर अहमदाबाद में एक डेयरी बन रही है, दूध की डेयरी बन रही थी, तो उसका कॉन्ट्रैक्टर था वो। बड़े भाई साहब जो थे वो इंजीनियर थे, उस डेयरी में चीफ इंजीनियर थे, माने कॉरपोरेशन में थे तो कॉरपोरेशन के थ्रू काम कर रहे थे एज ए इंजीनियर। तो कॉन्ट्रैक्टर ने पूछा कि साहब यहाँ कैसे आ गए आज। तो उसने फिर मोटा भी बड़े भाई साहब ने सारी बात करी कि भाई ये कमल का एडमिशन लेना था, वो कहते हैं सीट नहीं है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो दिल्ली से आया है, तो कैसे 5 फीट बैठो। वो अंदर गया और 10-15 मिनट के बाद अंदर से प्यून आया, आके पूछा कि भी कमल दलिया का एडमिशन किसको कराना था। तीन चार आदमी बैठा था, तो भाई साहब कहा मैं मुझे कराना है कि ये लड़का है, तो ये काउंटर उसकी फीस भर दो। तो उसका एडमिशन हो गया, काउंटर पर उसकी फ़ीस भर दो, वहाँ उनको इंटरकॉम से बता दिया है तो फीस भर दो, एडमिशन हो गया। तो ये काका जी का बहुत बड़ा प्रसंग है, ऐसी लाइफ में ऐसा तो कई प्रसंग बने हैं कि मैं सोच नहीं सकता। मतलब जैसे आपने इतने सालों से, करीब 40 साल हो गए आपको गुरुजी के साथ, तो अब अगर आप जो अभी जो हमारा सत्संग परिवार है या जो आगे भी आएगा, जो बच्चे आ रहे हैं आगे आएंगे, उनको अगर आप एक मैसेज देना चाहोगे, अगर आप आज के लिए या आगे के लिए भी गुरुजी के लिए, मतलब आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे दिल से कि हाँ भाई। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, एज ए लर्नेड पर्सन मेरा 35-40 साल गुरुजी के साथ हो गया, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि गुरुजी ने कभी भी अपने इंटरेस्ट के लिए काम नहीं किया। उन्होंने जो भी मेरे लाइफ में किया है वो मेरा कैसे अपलिफ्टमेंट हो जाए उसके लिए किया है। तो मैं तो कहता हूँ कि अभी जो सत्संग में आप यंग जनरेशन है उसको भी मैं सलाह तो नहीं कहता, मैं एक बात समझाना चाहता हूँ कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना हो और प्रिंसिपली जीना हो और माने माइन्यूटली कोई भी चीज़ करनी हो, तो गुरुजी के साथ रह के आप अपना जीवन बिताओ तो लाइफ बहुत अप टू डेट हो जाएगी और आपको मन की शांति मिलेगी। क्योंकि इनके साथ मन की शांति इतनी रहती है, आज की लाइफ में क्या है कि कल क्या करेंगे ये प्रॉब्लम है, और इनके साथ जुड़ने के बाद हमें लाइफ की निश्चिंतता मिलती है, जो हमें ऐसा लगता है
कल की प्रॉब्लम का हमें चिंता नहीं रहती है कि कोई भी बात होती है। सपोज हम घर में रहते, हम बैठते हैं रात को भी, तो भी हमें रात को सोने के टाइम पर भी चिंता नहीं होती है। कोई भी बात होगी यार गुरुजी को फ़ोन करेंगे, अभी 50 आदमी आ जाएंगे। उसका ऐसे एक प्रसंग भी बनाया मेरे साथ, मेरा बिहार में काम चल रहा था राजस्थान में, और मैं वहाँ से रात की ट्रेन से आ रहा था। रात को 10-10:30 बजे मेरी मिसिस और चिंतू छोटा बेटा वो घर पे थे। उस टाइम कमल और उसकी वाइफ और उसके बच्चे बॉम्बे गए हुए थे किसी शादी में। तो रात को 10 बजे तकरीबन मेरी मिसिस को एंजाइना पेन हुआ था, बैक पेन हुआ एकदम। तो उसने फ़ोन किया चिंतू ने कि गुरुजी इस टाइम गुजरात अपार्टमेंट थे। तो इमीडिएटली उन्होंने कहा कि अच्छा आप ऐसा करो, अभी 10 मिनट में हम आ रहे हैं और आराम करो, चिंता मत करो। गुरुजी ने मन वहाँ से भाटिया को फ़ोन किया, डॉक्टर भाटिया को, कि आप वहाँ से मंदिर के गेट पर पहुँचो। और यहाँ पर बहनों को फ़ोन किया कि डॉक्टर भाटिया आए तो उसको लेके डाले सबके घर पहुँच जाना। और गुरुजी खुद और 4-5 हरिभगत वहाँ से अपार्टमेंट से आए, आके फिर भाटिया ने आके ECG वगैरह चेक किया क्या, तो डॉक्टर को लगा कि गड़बड़ है थोड़ी बहुत, एंजाइना पेन है तो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने कहा हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो मेरी मिसिस तो घबरा गई, क्योंकि और चिंतू दो ही थे खाली घर पे। इस तरीके से मन हॉस्पिटल दाखिल कर खोसला हॉस्पिटल ले गए थे। और उसके 4-5 हरिभगत, नवीन भाई है ऐसे भी, वसराज है ऐसे, 3-4 भगत साथ में गए हॉस्पिटल, पूरी रात वहाँ रहे। और उन्होंने रात को 5,000 रुपया एडवांस भरा था हॉस्पिटल में। आज की तारीख तक मुझे नहीं पता किसने पैसा भरा था। तो मैं तो आके आज की जनरेशन को, आज के जो बच्चे हैं, आज के नए जो सत्संगी, उसको भी एक मैं कहता हूँ कि ऐसा समाज, ऐसा घर, ऐसा गुरुजी कहीं नहीं मिलेंगे कि जो अपने खुद के रिलेशन, जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी आगे पीछे भाग जाते हैं। एक प्रसंग ऐसा भी हुआ था कि किसी के घर डेथ हुई थी, उसके घर उसके अगल बगल के आदमी कम आए थे, 5 आदमी आए थे उसके घर पे, और 4 आदमी गेट तक आए और 1 आदमी शमशान घाट तक गया। मगर उसमें 100 सत्संगी थे, सोसाइटी का 1 ही आदमी था। तो ये समाज, ये गुरुजी और ये धर्म या महाराज कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो अपनी प्रार्थना करता हूँ महाराज को कि मुझे मेरी लाइफ का लास्ट डे तक गुरुजी के शरण में रखना। हमारा पर वो मोटो उपकार कर रहे थे कि हमारी लाइफ आज ये हूँ 75 पूरा थे, मैं 76 वर्ष में छूँ, अने जे 8.5 वर्ष थी हूँ 3 फरवरी पार्क में काम करूँ छूँ, एने कारण है मारी सेहत, मारे मारो कॉन्फिडेंस बहुत सारा रहे है। जो कि मने गुरुजी पर इतलो प्रेम छे कि गुरुजी ये मने फूल सत्ता आपी छे। गुरुजी ने आज हूँ एक चिट्ठी में लखूँ कि 10,000 रुपया मोकलजो पार्क माटे, तो गुरुजी मने सांजे पूछे नहीं कि आ 10,000 रुपया सेने माटे जीवे दलिया, एटलो मारा पर भरोसा छे। अने हूँ भी काम ए रीते ज करूँ छूँ कि गुरुजी ने एक भी नव पैसो, कारण गुरुजी कितनी मेहनत करनी पैसा भेगा करे छे, आज दान लावे छे लोको पासेथी, कितनी मेहनत करी लावे छे, तो एमनो एक भी पैसो वेड़फाव न जोईए, ये आपणी आपणी फरज छे। ए रीते हूँ काम करूँ छूँ, मन सेवा करी, અને એન્વાયરમેન્ટ એવું સરસ આપ્યું છે મને કે મારી તબિયત સારી જાય છે।